गाइस टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, फाइनली वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक काफी शानदार होम थिएटर बनाकर दिखाऊंगा। इस होम थिएटर का जो बेस क्वालिटी है काफी गजब का होने वाला है। मार्केट पर जो होम थिएटर मिलता है सेम उसके जैसा ही इसका लुक होने वाला है। काफी ज्यादा पसंद आएगा आपको ये होम थिएटर। इस होम थिएटर को मैं कैसे बनाता हूँ सब कुछ इस वीडियो पर दिखाया हूँ। इजीली आप इस वीडियो को देख कर ही बना सकते हो, तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस होम थिएटर बनाने के लिए यहाँ पर मैं काफी सारे MDA बोर्ड का पीस कटिंग कर लिया हूँ। गाइस होम थिएटर बनाने के लिए MDA बोर्ड काफी बेस्ट है, आप यहाँ पर प्लाईवुड का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर 11 mm थिकनेस का MDA बोर्ड यूज कर रहा हूँ। इससे पतला मत यूज करना, साउंड जो है खराब आ सकता है। इससे मोटा यूज करोगे तो बढ़िया ही रहेगा। तो यहाँ पर काफी सारे पीस है, 3 छोटे छोटे पीस है और 2 पीस जो है बड़े साइज का है। इन सभी पीस को मैं वुड कटिंग मशीन से कटिंग किया हूँ। आप चाहे तो इसे हैक्स ब्लेड से भी आसानी से कटिंग कर सकते हो। मशीन से काटोगे तो एकदम बराबर और एकदम स्ट्रेट कटेगा। ये दोनों बड़े वाले पीस का जो लंबाई है ये 37 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 33 सेंटीमीटर है। साथ में ये जो छोटे वाले पीस है इसका लंबाई 37 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इन तीनों का सेम मेजरमेंट है और ये दोनों का सेम मेजरमेंट है। टोटल 5 पीस में यहाँ पर मैं कटिंग कर लिया हूँ। तो इन पांचों को आपस में चिपका कर हमें यहाँ पर एक बढ़िया सा इंक्लोजर बनाना पड़ेगा होम थिएटर के लिए। और ये जो इंक्लोजर बनेगा ये बैंड पास इंक्लोजर बनेगा, जो की होम थिएटर के लिए बेस्ट इंक्लोजर होता है। तो चलिए मैं फटाफट इन सभी को चिपका देता हूँ। तो यहाँ पर चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज करूंगा, इससे काफी अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा वाला पीस को नीचे रख देना है और उसके बाद इसके ऊपर ये छोटे छोटे पीस को चिपकाना होगा। इस साइड में एक छोटा वाला पीस, उसके बाद बीच में एक छोटा पीस रहेगा और इस साइड में एक पीस रहेगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो है चिपक जाएगा और इन तीनों पीस को आपको बिल्कुल सीधा करके चिपकाना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं ग्लू लगाकर चिपका देता हूँ। तो गाइस इसको पूरा सेट कर दिया हूँ। ऊपर वाला पीस मैं नहीं चिपकाया हूँ, सिर्फ इसके ऊपर लोड देने के लिए यहाँ पर मैं रखकर ऊपर ये 2 ट्रांसफार्मर रख दिया हूँ। अभी इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो गाइज ये काफी मजबूती से जो है चिपक गया है, काफी टाइम लगा इसको सूखने में। तो अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर और एक पीस लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर और एक MDA का पीस कटिंग कर लिया हूँ। ये पीस कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो है इस टाइप से सेट हो जाएगा और इसी पीस में हमें सबवूफर फिट करना पड़ेगा। ये एक बैंड पास इंक्लोजर बन रहा है तो इसका अंदर जो सबवूफर रहेगा वो अंदर ही रहेगा, बाहर से नहीं दिखेगा। और स्पीकर के साइड में हमें एक होल करना पड़ेगा पोर्ट के लिए, जिससे सबवूफर का एयर जो है वो बाहर के तरफ पास होगा। तो चलिए जल्दी से मैं इस पीस के ऊपर स्पीकर के लिए और पोर्ट के लिए होल करके लेके आता हूँ। तो यहाँ पर दोनों होल को कर लिया हूँ। सबवूफर के लिए बड़ा वाला होल किया हूँ और छोटा वाला जो होल का डायमीटर है 50 mm है, ये पोर्ट का होल है। तो इस पीस को हमें यहाँ पर चिपका देना है ग्लू लगाकर। ये वाला जो हिस्सा है ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ से 17.2 सेंटीमीटर पे मैं एक मार्क कर दिया हूँ। ये वाला पीस उसी मार्क के हिसाब से आपको चिपकाना होगा। तो चलिए जल्दी से ग्लू लगाकर चिपका देता हूँ। तो देखिए गाइस काफी बढ़िया से ये फिट हो चुका है और इसको 90 डिग्री में ही सेट करके चिपकाना है। अब यहाँ पर हमें ऊपर वाले कवर को भी साथ में चिपका देना है। तो चलिए जल्दी से मैं ग्लू लगाकर चिपका देता हूँ। काफी मस्त ऊपर वाला कवर जो है चिपक गया है और ये कुछ इस टाइप का स्क्वायर बॉक्स रेडी हो चुका है। अब हमें जो है इसका फ्रंट साइड का कवर लगाना है। तो यहाँ पर मैं एक पीस कटिंग कर लिया हूँ और यहाँ पर देखिए मैं कुछ डिजाइन किया हूँ। एक नीचे पोर्ट के लिए होल किया हूँ, ये फ्रंट साइड में रहेगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर मैं कटिंग किया हूँ इस टाइप से, थोड़ा सा डिजाइन बनाकर और साइड से थोड़ा सा सैंड पेपर से घिस दिया हूँ। और ये पोर्ट को भी थोड़ा सा कार्व टाइप का बना दिया हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। इस टाइप से आपको जो है फ्रंट साइड में इसको चिपकाना होगा। यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए इस इंक्लोजर में नीचे वाला जो सेक्शन है ये सबवूफर का सेक्शन है और ऊपर वाला जो सेक्शन है यहाँ पर होम थिएटर का सर्किट बोर्ड और ट्रांसफार्मर वगैरह यहाँ पर रहेगा। तो ये वाला सबवूफर का जो सेक्शन है ये बिल्कुल सील्ड रहेगा, लीकेज वगैरह नहीं रहना चाहिए। और ये जो फ्रंट वाला ढक्कन है यहाँ पर सेट करने पर देखिए ये जो वॉल्यूम का ग्रुप है नीचे से जो है खाली एरिया है, तो यहाँ से एयर जो है पास हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें जो है कुछ इस टाइप का एक पीस बना लेना है। एक पीस नीचे से चिपकाया हूँ और एक रिंग टाइप का पीस ऊपर से चिपका दिया हूँ। इसे हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से चिपका देना होगा और इसके बाद ये वाला पैनल जो है यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको चिपका देते हैं, उसके बाद इस ढक्कन को बढ़िया से सेट करके यहाँ पर चिपका देता हूँ।
गाइस फ्रंट वाला ढक्कन काफी बढ़िया से चिपक गया है, अब ये होम थिएटर का जैसा लग रहा है। अब गाइस इसका पीछे वाला ढक्कन लगाते हैं। देखिए पीछे वाला ढक्कन को हम लोग ग्लू से यहाँ पर नहीं चिपकाएंगे, उसे हम लोग स्क्रू से टाइट करेंगे ताकि बाद में खोलकर हम अंदर का कुछ भी सामान अगर खराब होता है तो चेंज कर सकते हैं ढक्कन को खोलकर। तो इस ढक्कन के लिए मैं यहाँ पर ये वाला एक पीस कटिंग कर लिया हूँ, इसके अंदर ये फिट रहेगा तो इसके अंदर का मेजरमेंट के हिसाब से इस पीस को कटिंग कर लेना है। और इसी के साथ में आपको एमडीए बोर्ड से कुछ इस टाइप का पतला पतला पीस कटिंग कर लेना है। ये पीस हमें पहले अंदर कुछ इस टाइप से सेट करके इसमें चिपकाना होगा। ये जो गैप है इसमें ये वाला ढक्कन जो है अंदर सेट होकर बिल्कुल बराबर होकर फिट हो जाएगा। चारों ओर इस तरीके से पीस लगाकर इसमें जो है सेट करके चिपकाना होगा। यहाँ पर जो ढक्कन का थिकनेस है उसके हिसाब से यहाँ पर इस वाले पीस को मार्किंग करके अंदर से कटिंग करके इस पीस को हटा देना है। और उसके बाद स्क्वायर पीस को चारों ओर चिपकाने के बाद इस ढक्कन को लगाकर यहाँ पर पैक कर देते हैं। तो गाइस पीछे वाला कवर को बढ़िया से स्क्रू लगाकर इसमें फिट कर दिया हूँ। बेस का इंक्लूजर है ये बन के रेडी हो चुका है। अभी हमें इसके साथ छोटे छोटे साइज का सैटेलाइट स्पीकर बनाना होगा। इसमें सिर्फ बेस निकलेगा, जो छोटे साइज का बॉक्स बनाएंगे उससे जो है म्यूजिक साउंड वगैरह वॉयस वगैरह सब निकलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये एमडीए बोर्ड का पीस कटिंग कर लिया हूँ। देखिये यहाँ पर काफी सारे पीस है। देखिये ये छोटे छोटे साइज का दो पीस, इसका लंबाई है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7.7 सेंटीमीटर का। तो इसका दो पीस कटिंग कर लेना है। और इसके बाद ये जो दो पीस है इसका लंबाई है 19 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर। और एक पीस लास्ट में काटना है, इसका मेजरमेंट है 19 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको टोटल 5 पीस कटिंग करके आपस में जोड़कर एक छोटा सा इंक्लोजर रेडी करना है स्पीकर के लिए। तो चलिए जल्दी से मैं चिपका देता हूँ इन सभी को। देखिए ये दो पीस जो है इस टाइप से कुछ इसके ऊपर सेट हो जाएगा, और छोटे छोटे साइज का दो पीस दोनों साइड में कुछ इस टाइप से सेट हो जाएगा। तो चलिए इन सभी को चिपका कर रेडी कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर स्पीकर का इंक्लोजर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए पीछे वाला ढक्कन को लगाने के लिए अंदर से मैं छोटा छोटा पीस को भी चिपका दिया हूँ ताकि कवर लगाकर स्क्रू से टाइट कर सके। और ये मैं एक पीस कटिंग कर लिया हूँ कवर के लिए, कुछ इस टाइप से यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो अभी इसको बाद में लगाएंगे, पहले क्या करते हैं इसमें स्पीकर लगाने के लिए एक बड़ा सा होल कर लेते हैं, ठीक उसके नीचे पोर्ट के लिए एक छोटा सा होल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच का स्पीकर यूज करूंगा तो उसके हिसाब से होल कर लेता हूँ। तो चलिए जल्दी से दोनों होल को कर लेता हूँ। तो गाइस दोनों होल को करके लेके आ चुका हूँ। देखिए स्पीकर के लिए बड़ा वाला होल, पोर्ट के लिए छोटा सा होल, साइड में मैं कार्प टाइप का डिजाइन बना दिया हूँ घिस घिस कर सैंड पेपर से। काफी ज्यादा टाइम लगा इसको करने में और देखने में देखिए काफी मस्त लग रहा है। और साथ में पीछे मैं स्क्रू लगाने के लिए होल भी कर दिया हूँ 4। अब चलिए पीछे वाला कवर को फटाफट लगा लेता हूँ। देखिए इसमें भी होल कर दिया हूँ 4। तो इस टाइप से सेट करना है, फटाफट स्क्रू लगाकर टाइट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सैटेलाइट स्पीकर का इंक्लोजर बन के रेडी हो चुका है। और सेम इसी के जैसा और एक इंक्लोजर बना लिया हूँ सैटेलाइट स्पीकर के लिए। 2 स्पीकर यूज करूंगा और एक जो है बेस का इंक्लोजर। तो तीनों इंक्लोजर यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। और इन तीनों इंक्लोजर का मेजरमेंट डायग्राम मैं साइड पे इमेज पे दे रहा हूँ, इसी को देखकर आप पीस कटिंग करके आसानी से इन तीनों इंक्लोजर को बना सकते हो। अब चलिए गाइस इन तीनों इंक्लोजर को बढ़िया से फिनिशिंग कर लेता हूँ। देखिए ये जो इंक्लोजर का जो जॉइंट है यहाँ पर ये थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इन सभी को बिल्कुल प्लेन करके घिस देना है। और साथ में ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं इस कॉर्नर को भी घिस घिस के बिल्कुल राउंड टाइप का बनाऊंगा। और इस छोटे वाले इंक्लोजर को भी बढ़िया से फिनिशिंग कर लेना है। तो चलिए जल्दी से मैं फिनिशिंग करके लेके आता हूं। तो गाइस यहाँ पर तीनों इंक्लोजर को बढ़िया से फिनिशिंग करके लेके आ चुका हूँ। देखिए काफी मस्त फिनिशिंग किया हूँ और कॉर्नर को भी बिल्कुल राउंड बना दिया हूँ घिस घिस कर। और अभी जो है क्या करते हैं, इस मेन जो बेस का इंक्लोजर है इसका जो ये होल है पोर्ट के लिए, तो यहाँ पर हमें पोर्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पीवीसी पाइप का यूज करूंगा। इस पाइप का डायमीटर है 50 mm और इसका लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और इसके फ्रंट साइड में हीट करने के बाद अंदर बल्ब डाल के इसका मुंह थोड़ा सा फैला दिया हूँ ताकि यहाँ पर होल में अच्छे से ये फिट हो सके। तो इस पोर्ट को हमें कुछ इस टाइप से
यहाँ पर अंदर डाल के यहाँ पर सेट करके लगाना पड़ेगा, अंदर से इस पोर्ट को चिपकाना होगा। तो उसके लिए मैं पीछे वाला ढक्कन को फटाक से खोल लेता हूँ और उसके बाद इस पोर्ट को यहाँ पर बढ़िया से फिट कर देता हूँ। तो गाइस इसके अंदर पोर्ट को बढ़िया से चिपका दिया हूँ और फ्रंट साइड से देखिए काफी मस्त यहाँ पर फिटिंग आया है, एकदम मस्त लग रहा है। अब चलिए इसके अंदर का जितना भी सामान है वो सब लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काफी बड़े साइज का सबवूफर ले लिया हूँ। ये फेडो के तरफ से आने वाला एक 70 वाट का 8 ओम 5.5 इंच का एक सबवूफर है और इसके पीछे काफी सारे TS पैरामीटर लिखा हुआ है और इसी TS पैरामीटर के कैलकुलेशन से मैं इस इंक्लोजर को बनाया हूँ। आप अगर अपने मन से मेजरमेंट लेकर इंक्लोजर को बनाओगे तो बढ़िया साउंड नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें सबवूफर के हिसाब से इंक्लोजर बनाना होता है। अगर यही वाला सबवूफर यूज करोगे तो इस मेजरमेंट का जो इंक्लोजर मैं बनाया हूं सेम ऐसे ही बनाकर आप फिट कर सकते हो, बढ़िया साउंड क्वालिटी निकलेगा। सबवूफर चेंज करोगे तो फिर उसके हिसाब से आपको इंक्लोजर डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये वाला जो सबवूफर है ये हमारा मेन इस बेस इंक्लोजर में फिट होगा और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दो छोटे छोटे साइज का स्पीकर और ये दोनों 3 इंच 10 वाट का स्पीकर है। इन दोनों स्पीकर को मैं इस छोटे वाले इंक्लोजर में फिट करूंगा सैटेलाइट स्पीकर के लिए। तो यहाँ पर तीनों जो ड्राइवर है इन तीनों ड्राइवर को चलाने के लिए हमें यहाँ पर एक काफी बढ़िया सा एक होम थिएटर सर्किट बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक TDA 2050 IC वाला एक होम थिएटर सर्किट बोर्ड ले लिया हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाई किया हूँ, देखिए ये जो हीट सिंक है इसके बदले एक छोटा सा हीट सिंक यहाँ पर लगा हुआ था तो मैं उसको बदलकर यहाँ पर बड़ा सा हीट सिंक लगा दिया हूँ और पीछे दो कूलिंग फैन लगा दिया हूँ ताकि जो है हीट सिंक ठंडा रहे। और यहाँ पर देखिए कूलिंग फैन का जो वायर है यहाँ पर इसी बोर्ड पे कनेक्ट कर दिया हूँ। तो इसके ब्लैक कलर के वायर को सर्किट बोर्ड के ग्राउंड के साथ जोड़ दिया हूँ और रेड कलर के वायर को 7805 नंबर का जो रेगुलेटर IC है उसके फर्स्ट वाले पिन के साथ जोड़ दिया हूँ। तो इसी बोर्ड से दोनों कूलिंग फैन को जो है पावर मिल जाएगा, अलग से कूलिंग फैन को चलाने के लिए कोई पावर नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो 4 IC लगा हुआ है इसमें से ये 2 IC जो है बेस के लिए है और इन दोनों IC जो है ये सैटेलाइट स्पीकर के लिए है। और ये जो 4 IC है काफी ज्यादा हीट होता है तो उसके लिए मैं इस मॉडिफाई को किया हूँ। आप चाहे तो पहला वाला जो छोटा हीट सिंक इसके साथ मिलता था उसी को लगाकर चला सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक चलाओगे तो काफी ज्यादा हीट होगा। और इस बोर्ड के साथ में हमें काफी सारा कनेक्टिंग केबल दिया गया है स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने के लिए और साथ में यहाँ पर 3 पोटेंशियोमीटर दिया गया है। इसमें से 200K पोटेंशियोमीटर है और एक जो है 47K का पोटेंशियोमीटर है। और इन सभी कनेक्टिंग केबल को इस बोर्ड में कनेक्ट करके हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर कनेक्शन करना काफी इजी है, बोर्ड के ऊपर ही लिखा हुआ है कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ये बूफर लिखा हुआ है तो यहाँ पर सबवूफर का वायर कनेक्ट होगा, ठीक उसके साइड में यहाँ पर जो है सबवूफर का वॉल्यूम के वायर जो है कनेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए ये स्पीकर लिखा हुआ है तो यहाँ पर सैटेलाइट स्पीकर का वायर कनेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए ये 12012 लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ पर हमें जो है एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये एक 12012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले लिया हूँ, इसी से इस सर्किट बोर्ड को पावर मिलेगा। ट्रांसफार्मर का जो ये 3 वायर है ये तीनों वायर यहाँ पर कनेक्ट होगा 12012 पर। यहाँ पर देखिए एक ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ है इस वाले पोर्ट में जो है हमें ऑडियो इनपुट देना पड़ेगा और वॉल्यूम के लिए यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर भी लगाना पड़ेगा। और इसमें ऑडियो इनपुट देने के लिए मैं इस वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज करूंगा, ये एक 4.1 ऑडियो रिसीवर ब्लूटूथ मॉड्यूल है। आप इसके बदले इस वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हो लेकिन इसका रेंज काफी ज्यादा है तो मैं इसी का यूज करूंगा। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल को हमें 5 वोल्ट इनपुट अलग से देना पड़ेगा तो इस वाले बोर्ड से जो है 5 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट है। तो यहाँ से हम लोग अगर इस बोर्ड को पावर देंगे तो स्पीकर में से नॉइस का साउंड बैकग्राउंड में हल्का सा सुनाई देगा और उस नॉइस को कम करने के लिए यहाँ पर मैं एक 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर का सर्किट बोर्ड ले लिया हूँ। आप किसी भी पुराने मोबाइल चार्जर से इस सर्किट बोर्ड को निकाल सकते हो। तो इस सर्किट बोर्ड से हम अलग से इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देंगे और ऐसा करने से नॉइस बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं जितना भी सामान यूज कर रहा हूँ इन सभी का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, वहां से जाकर बिजली परचेस कर सकते हो। अभी चलिए इन सभी सामान को बढ़िया से फिट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंक्लोजर का जो ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को इस टाइप से अंदर में डालकर नट से टाइट करना होगा। तो चलिए जल्दी से इसको फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं ट्रांसफार्मर को नट लगाकर टाइट कर दिया हूँ। नट के लिए जो 2 होल किए थे नीचे से उस होल में भी ग्लू लगाकर सील कर दिया हूँ नीचे से पूरा। और यहाँ पर देखिए सबवूफर के लिए वायर यहाँ से होल करके इस साइड से निकाल लिया हूँ और उसके जॉइंट पर भी मैं ग्लू लगा दिया हूँ ताकि लीकेज ना हो। और वायर पे देखिए मैं यहाँ पर स्पॉन्ज चिपका दिया हूँ ताकि वाइब्रेशन से यहाँ पर नॉइस ना आए। तो चलिए अभी जो है ये सबवूफर लगा देते हैं। सबवूफर के देखिए नीचे साइड से मैं फॉर्म चिपका दिया हूँ ताकि यहाँ पर भी जो है अच्छे से टाइट हो और लीकेज वगैरह ना हो। तो चलिए अभी सबवूफर का कनेक्शन कर देते हैं।
उसके बाद बढ़िया से यहाँ पर टाइट करके लगा देते हैं नट्स। तो गाइस सबवूफर को बढ़िया से इसमें सेट कर दिया हूँ। अब गाइस यहाँ पर फ्रंट साइड में ये जो गैप है यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। ये जो तीन पोटेंशियोमीटर है यहाँ पर एक एक करके लगाएंगे। तो यहाँ पर सेट करने के लिए मैं पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस कटिंग कर लिया हूँ, जो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये फिट हो जाएगा और इस होल में जो है पोटेंशियोमीटर को टाइट करके लगाना होगा। और पोटेंशियोमीटर का जो कनेक्शन है इसके अंदर से पीछे साइड से निकल जाएगा कनेक्टर और डायरेक्ट बोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांसफार्मर का तीन वायर है और ये सबवूफर का जो वायर है, इन सभी में हमें इस टाइप का जो कनेक्टर मिला है इन सभी को कनेक्ट करना पड़ेगा। और साथ में ये ब्लूटूथ मॉड्यूल भी अंदर फिट करना पड़ेगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देने के लिए ये चार्जर का सर्किट बोर्ड भी अंदर फिट करना पड़ेगा। और मेन जो ये हमारा होम थिएटर सर्किट बोर्ड है, पीछे वाला जो ढक्कन रहेगा उसके साथ अटैच रहेगा, कुछ इस जगह पर ये सेट हो जाएगा पीछे वाले ढक्कन के साथ में। तो होम थिएटर का जो मेन सर्किट बोर्ड है इसे हम बाद में लगाएंगे, पहले क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर लगा लेते हैं फ्रंट में और कनेक्शन वगैरह करके यहां पर कनेक्टर को निकाल लेते हैं। तो गाइस जितना भी कनेक्टर वायर था वो सब मैं बाहर निकाल दिया हूँ। सभी वायर पे देखिए मैं स्पॉन्ज लगा दिया हूँ और अंदर देखिए मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल को कुछ इस जगह पर हॉट ग्लू से चिपका दिया हूँ और साइड में देखिए यहाँ पर मैं फॉर्म टेप चिपकाया हूँ, यहाँ से लीकेज नहीं होगा। तो चलिए अभी इसका तो काम हो गया है, अब जो मेन होम थिएटर सर्किट बोर्ड है उसे इसका पीछे वाला जो ढक्कन है उसमें फिट करते हैं। तो गाइस ये पीछे वाला ढक्कन के ऊपर मैं मार्किंग करके ग्रुप कटिंग कर लिया हूँ, यहाँ पर होम थिएटर सर्किट बोर्ड फिट रहेगा। और यहाँ पर देखिए कुछ होल किया हूँ, यहाँ पर हमारा जो सैटेलाइट स्पीकर का कनेक्टर है ये वाला, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर फिट हो जाएगा। और इस कनेक्टर का जो कनेक्शन का वायर है इस पॉइंट से सोल्डिंग होते हुए इस होल के अंदर से यहाँ पर देखिए मैं कुछ होल किया हूँ तो अंदर अंदर से ही निकल जाएगा यहाँ से। तो चलिए जल्दी से मैं इस कनेक्टर को यहाँ पर फिट करके लगा देता हूँ और उसके बाद होम थिएटर सर्किट बोर्ड को भी बढ़िया से इसमें फिट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर होम थिएटर सर्किट बोर्ड को बढ़िया से टाइट कर दिया हूँ, दो बड़े बड़े नट लगाकर एल्युमिनियम हीटसिंक के साथ में ही टाइट कर दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए एक एसी सॉकेट लगाया हूँ, इस साइड से देखिए ये सॉकेट है एसी, मेन सॉकेट यहाँ पर कनेक्ट होगा। चलिए कनेक्शन जो है कर देते हैं, जितना भी कनेक्टर है ये है सैटेलाइट स्पीकर का कनेक्टर तो ये स्पीकर में जाएगा, इस तरीके से लगा देना है। तो सेम इसी प्रोसेस से बाकी जितना कनेक्टर है इसमें लगा देता हूँ।
तो गाइस यहाँ पर जितना भी कनेक्टर था वो सब मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और एसी वायर को मैं यहाँ पर सॉकेट पे सोल्डिंग कर दिया हूँ। तो पूरा कनेक्शन जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। तो इसका पूरा कनेक्शन डायग्राम मैं साइड पे इमेज पे दे रहा हूँ, इसी को देखकर आप पूरा कनेक्शन जो है आसानी से कर सकते हो। तो अभी जो है फाइनली इसका पीछे वाला जो कवर है हम धीरे धीरे करके कुछ स्टेप से सेट करने के बाद स्क्रू से पूरा टाइट कर देते हैं। तो गाइस पीछे वाला कवर को बढ़िया से टाइट करके फाइनली इसमें फिट कर दिया हूँ। अब चलिए इस बेस को साइड में रख देते हैं। इन दोनों स्पीकर को हमें इन दोनों इंक्लोजर के अंदर जो है फिट करना है, तो चलिए जल्दी से मैं इसको फिट कर देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर स्पीकर को बिल्कुल होल के बराबर में आपको सेट करके रखना है और उसके बाद अंदर से आपको 4 स्क्रू लगाकर टाइट कर देना है। तो गाइस इसके अंदर पूरा स्पीकर को जो है बढ़िया से टाइट कर दिया हूँ और साथ में ये वायर को भी सोल्डिंग करके यहाँ पर फिट कर दिया हूँ। अब चलिए इसके पीछे वाले ढक्कन को लगाकर पैक कर देते हैं। तो गाइस दोनों सैटेलाइट स्पीकर को बढ़िया से यहाँ पर रेडी कर लिया हूँ। स्पीकर को बिल्कुल सेंटर में आपको सेट करके लगा देना है। देखिए काफी मस्त लग रहा है दोनों सैटेलाइट स्पीकर। तो फाइनली हमारा जो होम थिएटर का मेन जो सेटअप है वो बनके रेडी हो चुका है। और गाइस यहाँ पर आपको एक चीज जो है थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। देखिए पहले यहाँ पर इस बेस का जो पोर्ट था ये छोटे साइज का था, यहाँ पर मैं 50 mm डायमीटर का पाइप का यूज किया था, लेकिन मैं जैसे इसको एक बार ट्राई किया चलाकर देखा कि इसके अंदर से बेस उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं निकल रहा था, फिर मैं इसका पोर्ट जो है चेंज कर दिया हूँ। इसमें 75 mm डायमीटर का पीवीसी पाइप को लगाया हूँ, लंबाई जो है 200 mm रखा हूँ और इस बार जो इसका क्वालिटी है ना वो एक अलग लेवल का क्वालिटी हमें सुनने को मिला है। और गाइस साथ में एक छोटा सा चेंजेस और किया हूँ, इसके अंदर का जो बेस का सेक्शन है उसके चारों साइड पे मैं स्पॉन्ज चिपका दिया हूँ, क्योंकि बेस जब इसमें से निकलता है साथ में एक वाइब्रेशन होता है, तो उसके वजह से बेस के साथ में जो एक नॉइस टाइप का निकल रहा था, तो उसके वजह से मैं चारों ओर जो है फोम चिपका दिया हूँ। इससे जो है बेस क्वालिटी काफी अच्छा चुका है, एकदम प्योर बेस इसमें से निकल रहा था। और जैसे मार्केट पर मिलता है 15-20 हज़ार का होम थिएटर, सेम उसके जैसा इसका साउंड क्वालिटी निकल रहा था। अब आपको मार्केट से होम थिएटर खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इस वीडियो को देखकर सेम इसी डिजाइन का होम थिएटर घर पे ही बनाकर मस्त यूज कर सकते हो और साउंड क्वालिटी एकदम दमदार मिलेगा। तो अभी तो मैं इसको चलाकर नहीं दिखाऊंगा, पहले क्या करता हूँ कलर करके लेके आता हूँ। तो फाइनली गाइज हमारा होम थिएटर जो है कलर हो चुका है। पूरे बॉडी पर व्हाइट कलर करने के बाद ऊपर से मैं वुड लेमिनेशन पेपर चिपका दिया हूँ, देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। और तीनों के नीचे यहाँ पर प्लास्टिक का लेग लगा दिया हूँ ताकि प्लेन सरफेस पर ये अच्छे से बैठ सके। साथ में यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में मैं प्लास्टिक का नॉब लगा दिया हूँ और पोर्ट में देखिए ब्लैक कलर किया हूँ, इसके वजह से और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये होम थिएटर। तो फाइनली हमारा ये होम थिएटर बन के बिल्कुल रेडी है, अभी सिर्फ चलाकर आपको सुनाना है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों सैटेलाइट स्पीकर का कनेक्शन कर देता हूं। तो देखिए गाइस ये दोनों सैटेलाइट स्पीकर का वायर है, इस साइड का जो है ये राइट साइड का है और इस साइड का जो है लेफ्ट साइड का है, तो अंदर से उसी हिसाब से मैं कनेक्शन किया हूं। तो चलिए फटाफट से मैं जोड़ देता हूं। तो गाइस दोनों सैटेलाइट स्पीकर का कनेक्शन कर दिया हूँ। अब गाइस इस होम थिएटर को पावर देने के लिए हमें इस टाइप का एक केबल का जरूरत पड़ेगा, इसका एक सिरा हमें यहाँ पर होम थिएटर पे कनेक्ट कर देना है और ये वाला सॉकेट जो है जाएगा स्विच बोर्ड पर। देखिए कनेक्ट कर दिया हूँ, अब स्विच को मैं ऑन कर दिया हूँ। तो गाइस यह हमारा होम थिएटर जो है ऑन हो चुका है और यहाँ पर देखिए दोनों कूलिंग फैन जो है काफी मस्त तरीके से घूम रहा है। अभी हमें जो है मोबाइल से ब्लूटूथ से जो है कनेक्ट करना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से कनेक्ट करके आपको गाना बजाकर सुनाते हैं। तो यहाँ पर मैं फोन ले लिया हूँ, अब चलिए जल्दी से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं। ऑन कर दिया हूँ, ये देखिए HWBT ये इसका ब्लूटूथ नंबर है।
तो यहाँ पर ब्लूटूथ से जो है कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए बढ़िया सा एक सॉन्ग प्ले करते हैं। यहाँ पर मैं यूट्यूब लाइब्रेरी का सॉन्ग प्ले करूंगा। और गाइस यहाँ पर आप हेडफोन यूज कीजिए, तभी इस होम थिएटर का बेस और साउंड क्वालिटी जो है बढ़िया से आपको सुनाई देगा। नॉर्मली आप सुनोगे तो उतना अच्छे से जो है क्वालिटी का पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आप हेडफोन जरूर से यूज कीजिए। यहाँ पर ये जो बड़ा वाला वॉल्यूम है ये इसका मेन वॉल्यूम है, पूरा साउंड जो है यहाँ से जीरो हो जाएगा इसको अगर कम कर देंगे तो। और ठीक इसके नीचे ये जो है ये बेस का वॉल्यूम है, और उसके नीचे ये वाला जो है ये ट्रैवल का वॉल्यूम है। तो चलिए अभी सॉन्ग प्ले कर देते हैं। देखिए पूरा साउंड जीरो हो चुका है। YouTube लाइब्रेरी का जो सॉन्ग है उतना मजा नहीं आ रहा है इसमें, चलिए अभी हिंदी गाना बजाकर आपको सुनाते हैं। तो हमें एक बढ़िया सा हिंदी गाना मिल चुका है जो कि डीजे वाला है। चलिए तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको चेंज कर करके गाना बजा रहा था। पूरा गाना बजाएंगे तो कॉपीराइट आएगा। तो काफी मस्त यहाँ पर साउंड क्वालिटी जो है निकल के आ रहा था इस होम थिएटर से, और बेस भी काफी तगड़ा था। लेकिन इससे भी काफी ज्यादा बेस जो है इस होम थिएटर से निकलेगा एक ट्रिक करने पर। देखिएगा इस कोई सा भी होम थिएटर हो उसे आप रूम के किसी भी कॉर्नर पे अगर नीचे सरफेस पर रख कर बजाओगे तो काफी ज्यादा जो है बेस उसमें से निकलेगा, काफी ज्यादा साउंड का जो है इंक्रीज आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए इस होम थिएटर को भी मैं कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ और उसके बाद बजाकर आपको सुनाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर रूम के कॉर्नर पे मैं होम थिएटर को सेट कर दिया हूँ। अब चलिए सॉन्ग को प्ले करके आपको सुनाते हैं। यहाँ पर भी मैं हिंदी गाना ही बजाऊंगा। चलिए आप लोगों ने सुना इसका बेस काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अगर आप हेडफोन लगाकर सुनोगे तो तभी जाके आपका एक्चुअल इसका बेस क्वालिटी पता चलेगा। तो काफी मस्त ये होम थिएटर जो है बज रहा है, एकदम मस्त बना है, आप भी इजीली घर पे इसे बना सकते हो। तो गाइस ये होम थिएटर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चलिए मैं फिर से गाना बजा देता हूं।